Good morning. कितना प्यारा है ये, क्या ये मुझसे बात करेगा? हाय फ्रेंड, विश यू अ वेरी गुड मॉर्निंग। जरा मुझसे भी बात करो प्लीज। सुनो पता नहीं उसने मुझे क्यों काटा। ए, कहीं तो मेरा मजाक तो नहीं उड़ा रहे? ऐसा मेरे साथ क्यों होता है? मैं बताती हूँ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। उस अफ्रीकन पैरट ने तुम्हारी उंगली को काटा, बिल्ली तुम पर झपटी, डॉगी ने तुम्हें काटा। आपने सही कहा मॉम, और इस वजह से मैं बहुत परेशान हुआ। लगता है जानवरों से तुम्हारी पटती नहीं, कहीं ऐसा इसलिए तो नहीं क्योंकि तुम उन्हें देखते ही घबरा जाते हो? स्पाइडर से इतना मत डरा करो। हाँ लेकिन वो... तुम्हें जानवरों के साथ रहना सीखना होगा, समझे? क्या मुझे सीखना होगा, लेकिन कैसे? अभी समझाता हूँ। टार्जन पैंट्स। टार्जन? टार्जन को जंगल का राजकुमार कहते हैं। जब तुम इसे पहनोगे तो तुम ताकतवर बन जाओगे और तुम भी जानवरों के दोस्त बन जाओगे। वाह, ये कितना कूल है। की लग रही है। मैं तुम्हें एक और चीज देता हूँ, अभी दिखाता हूँ। टार्जन रोप। अब देखो कमाल। अरे ये रोप तो हवा में लटक गई है। तुम इससे उड़कर जहाँ भी चाहो जा सकते हो। क्या उस रोप पर? लेकिन यार वो रोप बहुत दूर है। अरे तुम टेंशन मत लो। एक मजे की बात बताऊँ, इन पैंट्स को पहनकर तुम जैसा कोई भी नॉन एथलीट उड़ सकता है। सॉरी लेकिन मैं ये नहीं कर पाऊंगा। कोई बात नहीं, उड़ने की कोशिश तो करो। मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम डरो मत। जाओ। मैंने कर दिखाया। हुर्रे, मैंने कर दिखाया। देखा, कुछ भी करना नामुमकिन नहीं है। हाँ मैं एनिमल से दोस्ती जरूर करना चाहूँगा। लेकिन आसपास तो कोई भी एनिमल नजर नहीं आ रहा। यहाँ खड़े रहने से कुछ नहीं होगा, एनिमल्स को ढूंढने के लिए तुम्हें ही कोशिश करनी होगी, समझ गए? लेकिन कैसे? तुम्हें चिल्लाना होगा आ, और फिर जानवर इकट्ठे हो जाएंगे। ओके, मैं चिल्लाऊं? ओके आ, अब चिल्लाते हुए ढूंढो। ठीक है, मैं चला आ, नो। लेकिन क्यों? इतने सारे कौवे। अरे डोरेमोन बताओ ये सब क्या हो रहा है? शायद ये चीख कौओं को बुलाने के लिए थी नोबिता। क्या मुझे अलग अलग साइड से चिल्लाना पड़ेगा? अगर तुम्हें डॉगीज को बुलाना है तो तुम बोलोगे आ, और कैट्स के लिए आ, ओके? सारी आवाजें एक जैसी ही तो है, लेकिन ये बहुत खतरनाक है। मुझे पहले थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। हाँ ये जगह बिल्कुल सही है। समझ गया, मैं सबसे पहले डॉग्स को बुलाऊंगा। ये कैट्स को बुलाने की आवाज है, मैंने तुम्हें बताया था ना। मुझसे गलती हो गई। इस तरह चिल्लाओ आ, आ, देखा आ, आ, अब ट्राई करोगे? आ, ऐसे? आवाज से तो कॉकरोचेस आगे डोरेमोन। कितनी बार बताऊं? आ, इस तरह नहीं चिल्ला सकते क्या? मैं उसी तरह ही तो चिल्ला रहा हूँ। ये क्या चूहे? अरे हाँ, अच्छा अब तुम सब लोग वापस चले जाओ। जाओ जाओ जल्दी जाओ। शुक्र है चले गए। अरे डोरेमोन कहाँ गया? शायद फिर से गायब हो गया है।
मुझे ऐसा लगता है कि ये काम मेरे बस का नहीं है। अरे मैं इन डॉगीज को नहीं बुलाना चाहता था। अच्छा एक बात बताओ, क्या तुम लोगों को ये जगह पसंद आई? तुम लोगों को खुश देखकर मैं भी बहुत खुश हो रहा हूँ। अरे तुम वही डॉगी हो ना जिसने मुझे काटा था, सही कहा ना? देखो बहुत गलती मेरी भी थी। चलो अब हम सब लोग दोस्त बन जाते हैं। मुझे लग रहा है कि अब मैं असली टार्जन बन गया हूँ। चलो अब ये सोचते हैं कि मुझे किस जानवर को बुलाना चाहिए। मेरे ख्याल से लायन को बुलाना अच्छा रहेगा। हाँ लायन। यहाँ लायन कैसे हो सकता है, लायन तो जंगल में रहता है। मैं तो असली टार्जन बन गया हूँ। आपको चेतावनी दी जाती है, बचाओ। ना जाने क्यों यहाँ हर कोई भाग रहा है। नोबिता, कहाँ थे तुम? मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। ये लोग इस तरह घबराकर भाग क्यों रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि एक लायन शहर में घूम रहा है। क्या, एक लायन? हाँ, मतलब मैंने एक असली लायन देखा था। हमारे पड़ोस में ही कोई उसे पाल रहा था। ये बहुत खतरनाक है, चलो हम घर चलते हैं। वहाँ पर एक लायन है, हम उसे सिटी पार्क में घेरने वाले हैं। हाँ। सुनो नोबिता, रुको। क्या दिन आ गए हैं, शेर अब जंगल से शहर में आने लग गए हैं। क्या हुआ? इधर आओ। क्या बात है? एल्जा, तुम भाग क्यों आई? क्या तुम किसी चीज से नाराज हो? चलो एक गड्ढे घर चलते हैं। तुम तो बहुत ज्यादा नाराज लगती हो एल्जा, प्लीज मेरे लिए शांत हो जाओ एल्जा। सिपाहियों फायर करो। रुक जाओ। रुको ना। ओ बच्चे, ये खतरनाक हो सकता है। मैं खतरों से नहीं डरता, और वैसे भी ये लायन कितना शांत है। चलो अब बस भी करो, मुझे बहुत गुदगुदी हो रही है। ये बच्चा सही कह रहा है, एल्जा को गोली मारना ठीक नहीं होगा। सुनो एल्जा मेरी अच्छी बच्ची, चलो चुपचाप अपने घर चलो, अपने पिंजरे में। पिंजरे में? ऐसा मत करो, इसे वापस पिंजरे में डालना ठीक नहीं होगा। हाँ डोरेमोन ने सही कहा, आपने इसे पिंजरे में बंद कर दिया था इसीलिए वो भाग गई। क्यों, सही कहा ना? इतनी बड़ी शेरनी एक छोटे से ही भेज दीजिए जहाँ से ये आई है, यही उसके लिए अच्छा होगा। इसे इसके घर यानी जंगल में भेजना चाहिए। प्लीज बात मान जाइए। मेरी एल्जा। अब तुम अपना ध्यान रखना और अपने दोस्तों के साथ खुश रहना, ठीक है? गुड बाय एल्जा। गुड बाय शेरनी, अपना ख्याल रखना। चलो नोबिता घर चलते हैं। क्या नोबिता ने ऐसा किया? हाँ मैं सच कह रहा हूँ, नोबिता सीधा शेर के पास चला गया। मैं नहीं मान सकता कि उस डरपोक नोबिता ने ऐसा किया होगा। ओ हाय शिज़ुका। नोबिता, हर कोई यही कह रहा है कि तुमने बहुत बहादुरी का काम किया है। वो मैंने कुछ इतना बड़ा काम भी नहीं किया शिज़ुका। अच्छा मैं उस तरफ आता हूँ। खुद को असली टार्जन मत समझो। सही कहा जियान। मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? ओ, 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 ओ। मुझे इससे नफरत है, कितनी डर लग रही है। नोबिता? हाँ? अरे तुम सब यहाँ पर? तुम अभी यहीं पर हो? चलो नोबिता घर चलते हैं। हाँ? नोबिता मुझे लगता है कि तुम्हें सर्दी हो गई है।
नोबिता को कुछ ज्यादा ही ठंड लग रही है ना जी? क्या तुम्हें पता है जियान, अगर हम एक्टिव होकर बॉडी को मूव करें तो हमें ठंड नहीं लगेगी। हे सुनियो, तुमने आज बिल्कुल ठीक बात कही है। हे नोबिता, आज हम लोग बेसबॉल प्रैक्टिस करेंगे। क्या इतनी ठंड में प्रैक्टिस? बुद्धू, इसीलिए तो हम ये प्रैक्टिस करेंगे। हाँ, अगर तुम ऐसी सिचुएशन में प्रैक्टिस कर पाए तो समझो तुम्हारी बॉडी और भी मजबूत हो जाएगी नोबिता। हाँ, तुमने ठीक कहा। अगर हमारी टीम की सबसे कमजोर कड़ी जो कि नोबिता है कुछ सुधर जाए, फिर जीतना हमारे लिए आसान हो जाएगा और सफलता हमारे कदम चूमेगी और हमारी टीम पूरे देश में मशहूर हो जाएगी, समझे? हाँ, जैसे एक बार मैं घर पहुँच जाऊँ तो बाहर नहीं निकलूंगा। इतनी ठंड में कोई प्रैक्टिस करता है क्या? देखो नोबिता, हमसे ज्यादा ये प्रैक्टिस तुम्हारे लिए जरूरी है, समझे? एकदम ठीक, हम ये सिर्फ अपनी दोस्ती के लिए कर रहे हैं। अगर तुम खेलोगे तो शायद तुम्हारे शरीर में गर्मी आ जाएगी और तुम अच्छा भी खेल पाओगे। तो अगर तुम आज प्रैक्टिस पर नहीं आए तो हम तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। जियान, डरावना है लेकिन मैं इतनी ठंड में बाहर नहीं जा सकता हूँ। आज के दिन तो मैं अपने गर्म कमरे में बैठकर सोना पसंद करूँगा। मुझे यही करना चाहिए। मैं घर आ गया। ठंड झेलना भी एक मुसीबत का काम है। मैं आ गया। अरे ये क्या डोरेमोन? मुझे बहुत ठंड लग रही है। अरे तुमने हीटर क्यों नहीं चलाया? हीटर और बाकी सब डिवाइसेस टूट गए हैं। अच्छू, क्या कह रहे हो? ऐसा नहीं हो सकता। पर ऐसा हो गया है। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा डोरेमोन। तो क्या मैं बेवकूफ हूँ जो खुद को इस कंबल में लपेट कर बैठा हूँ? जरा खुद ही सोचो। लेकिन डोरेमोन, तुम तो एक रोबोट हो, पर मेरे जैसे एक एडवांस रोबोट को इंसानों से ज्यादा सर्दी लगती है। मेरी हालत तो खराब, बहुत ठंड लग रही है। मैं बीमार हो जाऊंगा। सुनो, इससे पहले कि तुम बीमार पड़ जाओ मुझे कोई गैजेट दे दो। मुझे कुछ समझ नहीं आया। क्या तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है? बिल्कुल नहीं। डोरेमोन, होश में आओ प्लीज। क्या सर्दी से तुम्हारा दिमाग भी काम नहीं कर रहा है? ऐसा कोई गैजेट दो जिससे हम सबको गर्मी महसूस हो। ऐसा गैजेट? हाँ डोरेमोन, एक गैजेट दे दो। हाँ, मैं तो भूल ही गया था। रेन मेकर पेन सेट। इस गैजेट की मदद से हम कोई भी क्लाइमेट कभी भी बना सकते हैं, चाहे वो साफ मौसम हो या फिर बरसात का मौसम हो, क्लाइमेट कहते हैं। अच्छा, इस गैजेट की मदद से गर्मी भी हो सकती है। ये रेड पेन टेम्परेचर बढ़ा देता है। इस कागज पर एक मैप बनाओ। बस इस घर के आसपास रेड पेन से एक लाइन बना दो। वाह, ये तो कमाल का है। मुझे तो अभी से गर्मी लग रही है यार। अच्छा सुनो, ऐसा करो मुझे ये पेन दे दो। तुम इसका क्या करोगे? मैं सोच रहा हूँ कि अब मैं अपनी प्रैक्टिस करने जा सकता हूँ, है ना? ठंड में प्रैक्टिस कैसे करोगे? मैं पार्क का क्लाइमेट गर्म करना चाहता हूँ। बात अगर खेलने की हो तो तुम्हारा दिमाग खूब चलता है। पता नहीं आज मुझे इतनी सब मिलकर बेसबॉल खेलते हैं। हाँ चलो, पहले फील्डिंग प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है। याद रखना दोस्तों, जो भी गलती करेगा उसके सर पर एक डंडा पड़ेगा। सिर पर? टाइम आउट। वो मुझे बाथरूम जाना है। ये नोबिता हमेशा ऐसा क्यों करता है? जल्दी आना। क्या मैं तुम्हारा रेन मेकर पेन ले लूं? लेकिन किस लिए? वो मुझे पार्क में बारिश करवानी है ना। उसके लिए ब्लू पेन से पार्क की आउटलाइन बना दो। पर उसके बाद तुम बेसबॉल की प्रैक्टिस कैसे करोगे? वो जियान कह रहा था कि वो हर गलती पर मेरे सिर पर एक शॉट मारेगा। ये तो बहुत गलत बात है। अरे पार्क के ऊपर अजीब से बादल नजर आ रहे हैं। सुनियो, अगली टर्न तुम्हारी है। अच्छा? अरे ये बारिश। हे नोबिता, ये प्रैक्टिस बंद हो गई है, भागो यहाँ से। अरे वाह, मजा आ गया। मेरा काम तो हो गया, अब मुझे बारिश की कोई जरूरत नहीं है। अरे वाह, मौसम पहले जैसा हो गया। चलो अब बाकी पेंस को ट्राई करके देखता हूँ। इस व्हाइट पेन से क्या होगा? तो फॉल हो रही है। अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह। आइडिया, अब मैं शिजुका को बुलाता हूँ। पता नहीं क्यों लेकिन मुझे दाल में कुछ काला लगता है। हाँ, पार्क के बाहर तो मौसम कितना साफ है। जैसा कि हमने सोचा था, ये भी डोरेमोन का एक डिवाइस ही होगा। लेकिन हम नोबिता को इतनी आसानी से तो नहीं छोड़ने वाले। पार्क के ऊपर एक बर्फ का बादल है, ये जरूर नोबिता ने ही किया होगा।
काश कि वो पेन से कुछ अजीब ना कर बैठे। क्या कहा, सिर्फ पार्क में बर्फ गिर रही है? हाँ, लेकिन बर्फ इकट्ठा होने में वक्त लगेगा, तब तक आसपास लाइंस खींचो और उस जगह का मौसम बदल जाएगा। ये तो मजेदार लगता है, इस येलो पेन से क्या होता है? चलो इस कमरे के एरिया को मार्क करते हैं और देखते हैं कि क्या होगा। ठीक है। सूरज चमक रहा है जैसे कि एक साफ दिन में चमकता है ना? ये कुछ ज्यादा ही ब्राइट है, पर ये क्यूट सूरज है। अब ये ऑरेंज वाला ट्राई करते हैं। पर बर्फ जमा होनी शुरू हो गई है, ठंड लग रही है। जब नोबिता यहाँ आएगा मैं उसे खूब पीटूंगा। छी। सॉरी शिज़ुका, मुझे पता नहीं था कि ऐसा होगा। देखो मुझे बिजली से डर लगता है। मुझे माफ कर दो। ये पेन क्या करेगा? ट्राई तो करो। हाँ, पता नहीं ये सही होगा या नहीं। जरूर कुछ मजेदार होगा। हाँ, तुमने सही कहा। हाँ? कितना सुंदर है। मुझे लगता है कि बर्फ इकट्ठी हो चुकी होगी। वाओ, ये देखो स्नो, कितना सुंदर है। हमें तुम्हारा ही इंतजार था। ओ जियान, तुम इस पार्क में हम खेलेंगे, तुम यहाँ से जाओ। लेकिन यहाँ पर तो बर्फ हमने गिरवाई थी जियान, ये तो हमारी है। वो तुम्हारी थी, है नहीं। अरे तुम लोग बंद करो इसे, भागो। इसका टेस्ट अच्छा है। क्यों है ना, वो लोग तो मुझे पार्क के अंदर भी नहीं आने दे रहे। क्या जियान, और सुनियो, कान खोल कर सुनो, पार्क बहुत बड़ा है इसलिए नोबिता को पार्क के अंदर आने दो। यहाँ खेलने का हक जितना तुम्हारा है उतना नोबिता और शिज़ुका का भी है। डोरेमोन, ये पार्क हमारा ही रहेगा। चलो भागो। ये हमारा है। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, ये मेरी आखिरी वार्निंग है। बर्फ को घेरना बंद करो और नो। अगर नहीं आने दिया तो क्या करोगे? कुछ करके तो दिखाओ। ये लो। ठीक है। बर्फीला तूफान, डोरेमोन तुम्हारा दिमाग तो बहुत तेज है। क्यों बच्चू, मजा आया ना? हम इसे आराम से झेल सकते हैं, ये बर्फीला तूफान तो कुछ भी नहीं है। अच्छा तो फिर ये लो। हम इसे आराम से झेल सकते हैं, सुनियो। हाँ ठीक कहा जियान। जब तक तुम हार नहीं मानोगे मैं भी नहीं छोड़ू। अब मजा चखाता हूँ। क्या तुम अभी भी हार नहीं मानोगे जियान? नहीं जियान, कभी हार नहीं मानता। हार तो तुम्हें माननी ही पड़ेगी जियान, तुम मेरे इस वार को झेल नहीं पाओगे। कितनी बरसात है, कितनी गर्मी है। क्यों, अब बैंड बज गई ना? मुझे समझ नहीं आ रहा। चलो अब उनके पास चलते हैं। अब तो हार मानो, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। सुनो, तुम खुद को क्या समझते हो? ये लो, पीटते रहो।